हेलो जाहिन दोस्तों, कैसे हो? आज लेकर आया हूँ इनान आर्मी जीडी ट्रेडमैन क्लर्क नर्सिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओरिजिनल पेपर से उठाकर। वो ओरिजिनल पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया, इसी तरह जो क्वेश्चन पूछा गया यही क्वेश्चन आज लेकर आया हूँ। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लीजिए, और जिस बंदा 2023 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हो उसके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 17, 18, 19 में पूछा गया, वही ओरिजिनल पेपर से उठाकर एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो दोस्तों जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ लीजिए, और जिस बंदा हमारा चैनल में नया हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी तरह डेली के डेली क्वेश्चन मिलता रहेगा आपका एग्जाम के लिए। तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। तो दोस्तों देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन में आ गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कैपिटल ऑफ गुजरात, देख लीजिए गुजरात का राजधानी का नाम क्या है, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन बी को चुना, गांधीनगर को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, IMC का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थे, बता दीजिए जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन ए को चुना, यानी बेसंत को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा सही आंसर। कोई बच्चा का डाउट भी लग सकता है, इसीलिए जरूर एक बार गूगल करके इसका राइट आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अजंता केव लोकेटेड व्हिच स्टेट, देख लीजिए अजंता गुफा जिस राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन बी को चुना, महाराष्ट्र को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा अजंता केव, अजंता गुहा जो आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन, देख लीजिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बता दीजिए। चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन ए को चुना, 11 जुलाई को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नागरहोल नेशनल पार्क लोकेटेड इन, देख लीजिए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, बता दीजिए। चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर देखता हूँ कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर देता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन डी को चुना, कर्नाटक चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा सही आंसर। तो दोस्तों जिस बंदा 2023 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो उसके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन। और दोस्तों आप जितने भी तैयारी करो, लेकिन आप PBRCR में 15, 16, 17, 18 में पूछा गया, आपका ERO का कोई भी ERO से हो, ERO जम्मू, ERO अहमदाबाद, सिकंदराबाद, हैदराबाद, कोई भी ERO से हो, वहां पे जो पूछा गया पिछले 5 या 6 ईयर से, वो क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, आपका एग्जाम वहीं से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि PBRCR में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही सेम टू सेम क्वेश्चन आपका आने वाला एग्जाम में रिपीट कर देता है आर्मी वालों ने। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप PDF आपका जो PBRCR में पूछा गया वही क्वेश्चन पढ़ो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 6 नंबर क्वेश्चन, हु बिल्ड द लाहौर फोर्ट, देख लीजिए लाहौर किला किसने बनाया, बता दीजिए। चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन बी को चुना, सॉरी यहाँ पे सी होगा, कोई बात नहीं, ऑप्शन बी को चुना, उसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा सही आंसर, अकबर ने बनाया था लाहौर फोर्ट का। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले जिस बंदा हमारा चैनल में नया हो और इंडियन आर्मी का एग्जाम क्लियर करने का तरीका वो नहीं जानते हो तो जान लीजिए। तो दोस्तों इंडियन आर्मी का एग्जाम क्लियर करने का एक ही तरीका है, वो तरीका है पिछले 5 या 6 ईयर में जितने भी ओरिजिनल पेपर पूछा गया, आपका ERO का, आपका स्टेट का, जितने भी पूछा गया वो पढ़ लिया तो आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हमारा टीम आपके लिए लेकर आया है 2015 से लेकर 2023 तक जितने भी ओरिजिनल पेपर हुआ आपका ERO का, वो सभी मिल जाएगा। ओनली 99 रुपया पेमेंट करके आप
ले सकते हो। तो दोस्तों जिस बंदा लेना चाहते हो इसी नंबर पे कॉल करके ले लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 6 ईयर या 7 ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा ओनली आपका 99 रुपया में। तो दोस्तों जिस बंदा लेना चाहते हो जरूर इसी नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, सभी जानकारी इसी नंबर पे मिल जाएगा, पेमेंट प्रोसेस और आपका जो पीडीएफ के जानकारी सभी मिल जाएगा। तो दोस्तों पीडीएफ एक बार देखा देता हूँ किस तरह है। तो दोस्तों देख लीजिए ये आपका ईयर लुधियाना, चाहे आप ईयर लुधियाना से हो, चाहे आप ईयर फिरोजपुर, ईयर चकेदारी, कोई भी ईयर से हो, इसी तरह हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, इसीलिए हम आपको अच्छा तरह पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया गया टाइपिंग करके। तो दोस्तों वो पीडीएफ आप अच्छा तरह प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हो। तो दोस्तों वो हाथ में जो टाइपिंग करके पीडीएफ है यही सेम टू सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन लेकिन पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया गया। तो दोस्तों कटक, ईयर संबलपुर, गोपालपुर सभी ईयरों का है। तो दोस्तों एक बार दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख लीजिए आपका ईयर चकी दादरी का है, देख लीजिए जनरल ड्यूटी का है। इसी तरह आपका ट्रेड्समैन, क्लर्क, नर्सिंग सभी का मिल जाएगा। तो दोस्तों जिस बंदा लेना चाहते हो जरूर कॉल कीजिए। और देख लीजिए यहाँ पे आपका हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में मिल जाएगा, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सभी मिल जाएगा ओनली 99 रुपया में, 399 नहीं है, ओनली 99 रुपया में मिल जाएगा। तो दोस्तों जरूर कॉल करके ले लीजिए। तो दोस्तों एक बार देखा देता हूँ क्वेश्चन किस तरह पूछेगा। तो दोस्तों न्यू मॉडल में आपका ये क्वेश्चन न्यू पीडीएफ है, बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छा तरह क्वेश्चन पढ़ लिया तो एग्जाम 100% क्लियर। तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन है इसी तरह, जरूर कॉल करके ले लीजिए। तो दोस्तों इसी नंबर पे कॉल करना होगा, कॉल टाइम अवेलेबल है, जब मन चाहे कॉल करके ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्वालियर सिटी बैंक ऑफ व्हिच रिवर, देख लीजिए ग्वालियर शहर किस नदी के तट पर स्थित है, बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों ग्वालियर जो आपका चंबल नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो नया या प्रेजेंट वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन डी को चुना, कमला हरीस को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु रोट ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, देख लीजिए प्रसिद्ध पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसने लिखा था, बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन ए को चुना, सौरव गांगुली को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फिलिंग इज, देख लीजिए स्वतंत्र रूप में से गिरने वाली वस्तु का भार होता है, कितना होता है, बता दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे एक टावर है, बहुत बड़ा एक टावर है, और यहाँ से एक बंदा आपका एक पत्थर को या स्टोन को नीचे के तरफ फेंक दिया, तो वह पत्थर जब ये शून्यों में आ जाएगा तब इसका वेट कितना होता है, यही बता रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन सी 0 को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिश ब्रथ थ्रू, देख लीजिए मछली डैश से सांस लेता है, बता दीजिए किससे लेता है, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा चुनिए, देखता हूँ कौन कौन बच्चा इसका राइट आंसर देता है, ज़्यादातर बच्चा तुक्का मारेगा तो आपका नोज बताएगा, लेकिन नोज नहीं होगा, आपका क्या होगा, गिल्स होगा, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू डैश वाट, देख लीजिए एक हर्ष शक्ति बराबर हर्ष पावर एचपी बराबर कितना वाट होता है, बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन बी को चुना, 746 वाट को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, देख लीजिए प्रकाश का बर्ग जो वेग है अधिकतम होता है, कहाँ होता है, बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों प्रकाश सबसे तेज आपका ऑप्शन ए को आपका वैक्यूम में चलता है, निर्वात में सबसे तेज चलता है प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन, हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग लोकेटेड, देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों तुक्का मत
मत मरना, तुक्का मारेगा तो 100 में 100% 10 क्वेश्चन तुक्का मारेगा तो आपका 1 या 2 क्वेश्चन ही आपका राइट होगा, लेकिन उससे ज़्यादा आपका अंदर में जो जानकारी है वही जानकारी काम पे लगाकर अच्छा तरह क्वेश्चन का राइट आंसर करो। देखो आपका 10 क्वेश्चन करेगा तो 5-6 क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, तुक्का मत मारना, तुक्का मारेगा तो आपका फंस जाएगा, इसीलिए तुक्का मत मारना बहुत ही अच्छा तरह पढ़ो और आपका अंदर में जो शक्ति है उसका काम पे लगाकर उसका राइट आंसर दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन सी को चुना, दुबई को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच विटामिन गिवन स्ट्रॉन्गेस्ट टू बोन, देख लीजिए किस विटामिन से हड्डी का मजबूती मिलता है, बता दीजिए चारों ऑप्शन में साइंस से चुन दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन सी विटामिन डी को चुना, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा सही आंसर, विटामिन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द 3rd बैटल ऑफ पानीपत मद्रास हुआ डिफरेटेड बाय, देख लीजिए पानीपत की जो 3rd लड़ाई हुआ था वो मद्रास और किसके बीच हुआ था, बता दीजिए चारों ऑप्शन में साइंस का चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन ए अहमद शाह दुरानी को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा सही आंसर। कोई बच्चे का डाउट है तो गूगल बाबा तो है, वहाँ पे जाकर आप जरूर सॉल्यूशन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेजर ध्यानचंद वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स, देख लीजिए मेजर ध्यानचंद कौन खेल से जुड़ी है, बता दीजिए चारों ऑप्शन में साइंस से चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन सी को चुना, हॉकी को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। और दोस्तों बार बार मौका नहीं मिलता है, 1 या 2 बार मौका मिलता है, वही मौका काम पे लगाकर आपका मंजिल हासिल करना पड़ता है, इसीलिए जो बंदा वैकेंसी मिल रहा है, जिस बंदा को एज मिल रहा है, वॉयस मिल रहा है, वो जरूर जान गवा दे दीजिए आपका तैयारी में। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा तरह तैयारी करो और हम तो आपके लिए जिंदगी गवा दिया आपके लिए। तो दोस्तों हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दो और डेली के डेली इसी तरह क्वेश्चन पढ़ो, और जो आपका एयरो का कोई भी एयरो से हो, एयरो नारंगी, सिलचर, एयरो बहरमपुर, सिलीगुड़ी, कोलकाता, कोई भी एयरो से हो, सभी एयरो का क्वेश्चन अवेलेबल है। तो दोस्तों जरूर कॉल कीजिए और पेमेंट करके ले लीजिए, कोई टेंशन का बात नहीं है, आपका कोई फ्लोटिंग धोखाबाजी नहीं होगा, जरूर कॉल कीजिए और ले लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कलर ऑफ ए स्टार डिपेंड्स ऑन इट इज, देख लीजिए किसी तारे का रंग उसका क्या दर्शाता है, बता दीजिए निर्भर करता है, बता दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन ए को चुना, टेम्परेचर को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड अशोक फाइट इट इज लास्ट बैटल, देख लीजिए अशोक का जो अंतिम लड़ाई हुआ था वो कौन से लड़ाई थे, बता दीजिए चारों ऑप्शन में साइंस से चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन ए को चुना, आपका कलिंग को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है इसी प्रश्न का, पत्र का। तो दोस्तों व्हेन वाज शिमला पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन, देख लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला चुनती हुआ था, संधि हुआ था, वो कब हुआ था, बता दीजिए। तो दोस्तों चारों ऑप्शन में साइंस का चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन डी 1972 को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा सही आंसर। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन कैसे लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, और डेली के डेली इसी तरह क्वेश्चन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिस बंदा अभी तक वो PDF नहीं लिया आपका ईयरों का तो दोस्तों जरूर ले लीजिए, और जो बंदा पहले 5 ईयर का ले लिया उसके लिए तो नया PDF लॉन्च हो गया है, वो भी ले सकते हो। तो दोस्तों जरूर कॉल करके ले लीजिए, आपका वैकेंसी 1 या 2 महीने के अंदर ही आ जाएगा। तो दोस्तों जरूर कॉल करके ले लीजिए, टाइम अवेलेबल है, जब मन चाहे कॉल करके ले सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।